तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में आज के जो हमारे गेस्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफेशन के इंसान हैं ये एक कायरो स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर हरीश ग्रोवर और ये प्रैक्टिस करते हैं गुड़गांव में और इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो ये प्रैक्टिस करते हैं तो ये एक्चुअली करते क्या है इसके लिए हम थोड़ी इनकी वीडियोस यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं स्क्रीन के कॉर्नर पे ताकि थोड़ा आपको आइडिया हो जाए कि ये करते क्या हैं और अब हम इनसे जानेंगे और समझेंगे कि ये चीज़ है क्या और क्यों इंडिया में इतने लोगों को कम पता है इसके बारे में और ये पॉडकास्ट करने का मकसद भी यही था कि अवेयरनेस थोड़ी स्प्रेड हो क्योंकि ऑफ़ कैमरा इन्होंने हमें बताया कि ये बहुत सारे लोगों को सर्जरी से बचाते हैं तो इनकी प्रैक्टिस से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं एक्सट्रीम केसेस से बच जाते हैं तो सर वेलकम थैंक यू थैंक यू सर और इन्होंने ऑफ कैमरा हमें बताया कि ये इनकी टीम जो है मोर देन हंड्रेड पेशेंट्स पर डे दे अटेंड एंड उनके बीच से टाइम निकाल के यहाँ पर आना तो सर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप आए हो टाइम निकाल के थैंक यू सो मच फॉर दैट तो सर सबसे पहले तो ये समझते हैं इस प्रोफेशन के बारे में ये होता क्या है कायरो प्रैक्टिस क्या होती है और क्यों होती है देखिए जो कार्डोट्रैक्टर है कार्डोट्रैक्टिक जो प्रोफेशन रिलेटेड जो है वो एक सौ साल पुराना टेक्निक है वैसे तो डी डी पार्मल ने स्टार्ट किया था ये अमेरिका में सौ साल हो गए इसको उससे पहले ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं था क्योंकि इंटरनेट यूट्यूब्स वगैरह जितने कंटेंट आज के दिन है वो अवेलेबलिटी नहीं थी उस टाइम सिर्फ चलता था माउथ रेफरल लोग ने एक दूसरे को बताया आगे बताया इस तरीके से एक सोसाइटी क्रिएट होती थी बट जैसे जैसे इंटरनेट आगे बढ़ रहा है तो इसकी अवेयरनेस भी बहुत बढ़ गई है ज़्यादातर अवेयरनेस जो बढ़ी है पिछले 20 साल में ज़्यादा बढ़ी है 2000 के बाद में 2000 इन बीते सालों में 22 सालों में बढ़ी हुई है और जो कायरप्रैक्टिक है इसका जो मतलब है इसका मतलब है कि एक आर्ट है एक फॉर्म है आपके जॉइंट को अलाइन करने का आपकी स्पाइन को लाइन करने का आपकी स्पाइन के अंदर सिमिट्री क्रिएट करने का क्योंकि जब एसिमेट्री होती है स्पाइन में तो कोई नस दबती है कोई स्वेलिंग आती है तो दर्द होता है इंसान को इंसान के हाथ में पाँव में दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है आपने बड़ा सुना होगा आजकल सियाटिका हो गया यहाँ से यहाँ तक गया किसी ने डेडलिफ्ट करी आपने और यहाँ से जहाँ पेन स्टार्ट हो गया किसी के हाथ में यहाँ पेन स्टार्ट होने लगा कोई रात को सोया उल्टा पेट के ऊपर सुबह देखा तो गर्दन अटक गई है ठीक तो है तो ये सारे रीज़न जो हैं वो बेसिकली नर्व्स जब स्ट्रेच हो जाती हैं नर्व्स दब जाती हैं तब होता है अच्छा तो जो हमारा काम होता है उन नसों को खोलने का काम होता है एक सिमेट्रिकल वे से और ये सारा जो होता है एक्सरे बेस्ड रहता है पालपेशन बेस्ड रहता है एक एक्सपर्ट डॉक्टर इसको करता है इसकी अलग से पढ़ाई करी है आपने हाँ इसकी बैचलर करी मैंने मास्टर्स करी है अच्छा। इसकी फेलोफिस करी है आई डन माई पी एच डी इन स्पाइन दिस और सर एक कॉमन टर्म हम सब ने सुना है और हमारे घरों के आसपास भी फिजियोथेरेपी का तो कॉन्सेप्ट हमें पता है तो फिजियोथेरेपी से कैसे डिफरेंट होती है ये कारोप्रैक्टिस देखिए फिजियोथेरेपी एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, प्रोफेशनल है कारोपैक्टिक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल और ऑस्टियोपैथिक डिफरेंट इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स हैं तीनों का जो काम है पेन फ्री करना है मोबिलिटी बढ़ाना है प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना है पेशेंट की और तीनों की जो जो काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है फिजियोथेरेपिस जो मोर ओवर दे वर्क ऑन द मसल्स लिगर एंड टेंडेंस पर काम करते हैं स्पाइन पे भी काम करते हैं एक डाइवर्सिफाई अम्बरेला है फिजियोथेरेपिस्ट अलग फिजियोथेरेपिस्ट बच्चों के अलग फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं कार्डियोपलमरी फिजियोथेरेपिस्ट अलग होते हैं न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट अलग होते हैं तो एक बहुत बड़ी अमेरेला है लेकिन कारोप्रैक्टिक जो ज़्यादातर एसोसिएटेड रहती है स्पाइन से रिलेटेड रहती है जॉइंट और स्पाइन से रिलेटेड इनका काम होता है कि जॉइंट्स को अलाइन करना ताकि उनकी मोशंस दोबारा से स्टार्ट हो जाए कोई स्वेलिंग है वो ठीक हो जाए आ, कोई टेंडन फटा हुआ है उसको ठीक कर दे उसी तरह ऑस्टोपैथी का भी एक डिफरेंट एस्पेक्ट है उसके अंदर वो मसल्स को मैनिपुलेट करते हैं आ, पेट को मैनिपुलेट करते हैं कोई टेंडन उसको मैनिपुलेट करते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं तीनों में डिफरेंट तीनों अलग हैं तो जो आप प्रैक्टिस करते हो आपके पास पेशेंट को आना चाहिए उसका कुछ क्राइटेरिया मतलब जैसे हमारी ऑडियंस भी देख रही है या हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि, कि किसके पास हमें जाके ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे तो मतलब आप कौन से केसेस में सबसे ज़्यादा हेल्प कर पाते हैं जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं देखिए जैसे मैं मैंने मैंने बताया कि पेन का एक, एक... टर्म बहुत बड़ा है जैसे कि आप किसी को पेन है वो ऑर्थोपेडिक के पास भी जा सकता है न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी जा सकता है और फिजिशन के पास भी जाता है तो जो पेन का केस है वो किसी के पास भी जा सकता है बट जो कारोपैक्टिक के पास वो केस आता है जिसकी ज़्यादा नस दबी है जिसकी गर्दन में दर्द है बट सर फिर यहाँ पर क्वेश्चन आता है ऑडियंस का कि यार हमें कैसे मालूम पड़ा कि ये वाला पेन के लिए हमें होता क्या तो है और सबको थोड़ा बहुत तो पता ही है मतलब कई बार सर ऐसा भी होता है ना कि कोई विटामिन कम है तो कहीं पे पेन शुरू हो गए विटामिन डी कम है या कुछ विटामिन की डेफिशंसी से किसी बॉडी पार्ट में भी पेन हो रहा है बट वो नस्क का पेन नहीं है तो फिर लोग मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि लोग एनालाइज कैसे करें कि हाँ हमें कायरोप्रैक्टिक के पास जाना चाहिए जैसे मैंने बताया आपको स्पाइन में कोई भी प्रॉब्लम है वो सीधा कायोप्रैक्टर के पास जा सकते हैं अगर उनकी गर्दन में दर्द है कमर में दर्द है अगर हेड एक रहता है पेन मस्कुलर पेन है हेड एक रहता है कई बार हेडक के लिए हम एम वगैरह कराते हैं हेड एक कैप्चर ही नहीं हो पाता क्योंकि हेड का ओरिजन यहाँ से होता है और आपको जानकर हरानी हरानी होगी कि आ, 2018 से पहले जितने भी हेडेक होते थे तो उनको माइग्रेन बोला जाता था कि माइग्रेन हो गया आपको 2018 के बाद रिपोर्ट पब्लिश ऐसी हुई हैं कि ये पता लगा है कि जितने भी हेडेक होते हैं उसमें से 87 परसेंट हेडेक जो होते हैं गर्दन की वजह से होते हैं यानी गर्दन की माल अपोजिशनिंग पुण, पुण, की वजह से गर्दन में कोई नस दब जाए तो और बाकी तेरह जो हैडेक है वो माइग्रेन है तो इसनी स्टडी से पता लगा है और ये हेडेक को हम ठीक कर सकते हैं अलाइनमेंट से बिना किसी दवा के सर क्वेश्चन ये भी आता है मान लो किसी को पेन हुआ आ, किसी को तो फिर वो आ, आपके पास जाने से पहले ये सोचेगा यार ये लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं मशीन होती हैं कोई बड़ी बड़ी मशीन तो नहीं है या फिर इनके पास कौन से इंस्ट्रूमेंट है यूज करने वाले हैं तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करो आप देखिए जैसे कि पेशेंट आया हमारे पास गर्दन दर्द का पहले गर्दन के दर्द का पूछेंगे कारण कब हुआ कितने दिन से हुआ फिर हम पालपेट करके देख सकते हैं कौन सी नस दबी है कौन सी पालपेट क्या होता है पालपेट मतलब हाथ से अच्छा हाथ से पता लगा सकते हैं बिकॉज वी हैव एक्सपर्टी क्योंकि हम ये साल यही मतलब इतने सालों में यही पढ़ते हैं कि कौन कौन सा नस कहाँ कहाँ जाता है तो हाथों से छू के पता लग जाता है हमें छोटे से इंस्ट्रूमेंट होते हैं हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे उनको लगा के जैसे एक नर्वोस्कोप होता है उससे लगा के हम पता लगा लेंगे कहाँ से नस दबी है अगर लगता है कि केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है दर्द ज़्यादा हो रहा है पेशेंट तो वी आस डेम टू तो गेट एक्सरे डन एक्सरे पता लग जाता है तो सारी जानकारी इकट्ठी करके पता लग जाएगी नस दब गई है इनकी या मसल जो है उसमें स्पेजम है उस नस को ढूंढ के उसको हम अलाइन कर देंगे पेशेंट का वहाँ का जो ब्लड फ्लो रुक गया है नो फ्लो रुक गया है वो दोबारा से बहाल हो जाएगा पेशेंट ठीक हो जाएगा सर उस अलाइनमेंट के प्रोसेस में क्या मसाजेज़ आती हैं या मतलब क्योंकि हमने वीडियोज़ में देखा है कि कमर वमर चटका चटकाई जाती है और लोग उसके बाद एकदम बेटर फील करते हैं और हमने तो सर कायरो प्रैक्टिस की वीडियोज बाहर की बहुत देखी है जो जैसे मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा था मीम्स वगैरह में कि लोग कह रहे हैं ये जॉब तो मैं भी डिजर्व करता हूँ तो बेसिकली मैं समझना चाह रहा हूँ कि अलाइनमेंट का प्रोसेस क्या रहता है क्या उसे उस प्रोसेस को क्या हम मसाज कहते हैं या मतलब वॉट इज इट मसाज और... नहीं कहते इसको ये डिफरेंट प्रोसेस है मसाज में क्या होता है कि आप हाथों से मसाज करते हैं तो एक मसल्स लेयर तक ही पहुंच पाते हैं hmm. बट जो बोन होता है वो एक इंच नीचे होता है बेसिकली hmm. हमारी जो एक्सपर्टी है हम डायरेक्टली बोन को अलाइन करते हैं बेसिकली जो दर्द कम होता है वो हमने जैसे ही बोन को लाइंड किया उस नस को फ्री किया दो स्पाज़म है वो हट जाएगा तो डायरेक्टली आपको मसाज करने की ज़रूरत नहीं है आप नस को फ्री कर दो स्पाज़म अपने आप ही हटेगा तो जो आप दर्द फील कर रहे हो वो एक कॉन्सिक्वेंस है एक मसल विक्टम है वहाँ पे मतलब उनको सहन करना पड़ रहा है दर्द और हमारी एक्सपर्टी क्या है हम जहाँ से वो नस आई है उसको खोल दिया यानी वो कॉन्सिक्वेंसेज अपने आप हट गया यानी दर्द उसका हट जाएगा सर तो आजकल पेन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं लोगों के कि मतलब किसी को जॉइंट इशू हो रहा है किसी को कुछ हो रहा है तो इतना ज़्यादा ये फैल क्यों रहा है बहुत ज़्यादा और हर एज गैप में है ये कि जैसे 25 ले लो 35 ले लो इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है ये देखिए पेन दो तरीके का होता है एक पेन है कि जैसे कि आपने किसी ने डेड किया घर जिम में जाके उसको शैटिका हो गया बड़ा कोमन नाम सुना होगा आपने स्लिप डिस्क हो गया किसी ने लेग प्रेस लगाया बेंच प्रेस लगाया उससे शोल्डर में दर्द हो गया किसी ने घर में मम्मी की हेल्प कर दी सिलेंडर उठा के इधर से उधर रख दिया शिफ्टिंग में एसी से एसी उठा के इधर से उधर रख दिया ये इंजरी है जिसकी वजह से दर्द हुआ है एक तो ये चीज़ हो गया दर्द की वजह दूसरी वजह जैसे कि हम आजकल रील देखते रहते हैं घंटों में ऐसे थोड़ा सा स्लाइड हो के डबल पिलो लगा लेते हैं सर लगा लेते हैं दीवार पे और घंटे घंटे डेढ़ सौ दो सौ तीन सौ रील भी देख लेते हैं सही बात उसी पोजीशन पे क्योंकि इंटरेस्ट बना रहता है और पता ही नहीं लगता कि दो सौ रील कब देख ली दो घंटे कब हो गए तो उस जो कम्प्रोमाइज पोजिशन पर नैक बड़ी आगे रहती है और फिर वो नस दब जाएगी नस दबने से फिर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है उल्टा सोते हैं हम लोग ओवर स्लीपिंग करते हैं ओवर स्लीपिंग का मतलब ये है कि जैसे कि हम आजकल सोते हैं बारह बजे एक बजे दो बजे भी सोते हैं अब आमतौर पर एक इंडियन की नींद जो है वो छः बजे खुल जानी चाहिए अब ज़्यादातर लोगों की नींद तो छः बजे खुल जाती है दिमाग तो जग गया उनका छः बजे बट शरीर नहीं जगता शरीर वैसे ही चाहता कि आधा घंटा और सो लो उस आधे घंटे सोने के लिए उनको एक्स्ट्रा कम्फर्ट जोन चाहिए एक्स्ट्रा कम्फर्ट जोन चाहेंगे वो पाँव थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करेंगे गर्दन टेढ़ी मेढ़ी करेंगे हाथ टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तब सोएंगे सही कह रहा हूँ उस कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पर आप देखेंगे ना तो सारी नसें सारा जॉइंट दबने लगता है नो फ्लो कम होने लगता है फिर आप उठेंगे ना नौ बजे दस बजे आपको लगेगा यार अकड़न है शरीर बहुत टाइट हो गया है

सारा नाउज सिस्टम आपका डायलेट रहता है अब सारी नसें अच्छे से जा पाती हैं लेकिन जैसे कि हम लेट नाइट स्लीप करते हैं ना क्योंकि दिमाग जो है दिमाग की आदत है साढ़े नौ दस बजे सोने की अब इन कुछ एक सालों को छोड़ दें तो क्योंकि हमारा दिमाग है इस तरीके से ट्रेन है कि जैसे दिन ढलेगा तो हमें थोड़ा थोड़ा हमारे जो हारमोन्स है वो सारे धीरे धीरे करके शट डाउन होना स्टार्ट होएंगे जैसे कि हम खिड़कियाँ बंद करते हैं घरों की तो धीरे धीरे सारे न्यूरल प्रोसेस कम हो जाती हैं बट हमारा कल्चर ऐसे बन गया कि हम साढ़े नौ बजे घर आएंगे ऑफिस से और हमें रिलैक्स करने के लिए रील देखनी है हमने स्क्रीन टाइम है हम लैपटॉप पे काम किया सारा बट हमें रिलैक्स कब करना है जब हमें रील देखनी है तो हम रील देखेंगे साढ़े नौ से साढ़े ग्यारह बज गए रील के लिए अब जो पीक टाइम है सोने का वही है साढ़े नौ से साढ़े दस वाला जिसमें जो ब्रेन की एक्टिविटी है सारी सेट होने लगती है बट वहाँ ब्रेन को जगा लेते हैं ऐसी एक रील आती है जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है उसको बार बार देखने लगता है तो ब्रेन को आपने एक्टिवेट कर दिया बड़ा ज़्यादा वहाँ नींद आपकी गायब हो जाएगी तो फिर आपने देखा कि एक बजने वाला अब तो सोने का टाइम का ऑफिस जाना है आप सोने लगोगे आपको सोने में भी फिर चालीस मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे आपको जा, आपको जाती ही नींद नहीं आने वाली क्योंकि आपने जब ब्रेन को आपने जब मौका दिया तब सोए नहीं सोते सोते तीन बज गए नींद तीन बज गए फिर आप सोएंगे फिर दिमाग तो जग जाएगा छः बजे क्योंकि दिमाग की आदत है छः सवा छः बीस तक ज़्यादातर खुल जाती नींद बट जैसे ही खुलेंगे हम आधी नींद में होंगे शरीर अकड़ा होगा क्योंकि ऑर्गन शट डाउन कर दिया आपने पूरा ऑर्गन एकदम से नहीं जगते नींद पूरी करनी है तो हम थोड़ा और सोएंगे दिमाग में रहेगा यार पाँच मिनट और सो लेता हूँ पाँच मिनट की जगह एक घंटा हो जाएगा वो एक घंटा एक्स्ट्रा कम्फर्ट जोन चाहिए फिर हमें टेढ़ा मेढ़ा सोने लगता है वहाँ असली दिक्कत स्टार्ट होती है सही बात सर है। सर ये भी बताओ कि जैसे आप प्रोफेशनल हैं आपके हिसाब से आप रेकमेंड कर दो पिल्लो यूज़ करना चाहिए सोच सोते वक्त हाँ पिल्लो नहीं यूज़ करना चाहिए पिल्लो बिल्कुल पतला यूज़ करिए रीज़न बीइंग क्योंकि देखिए सारा जो हमारा काम है ना अब लैपटॉप का रह गया है हम एक फ्रंट फेसिंग लवर बन गए मतलब हमारा जो जितना भी काम है सारा आगे का है पचास साल पहले खेतों में काम हो, होता था हमारा हम खींचते थे कोई चीज़ को पुल भी करते थे तो सारी मसल सिमेट्रिकली यूज़ होती थी अभी हमारा काम चाय पीना हो गया खाना बनाना हो गया लिखना हो गया सब पीछे का है आगे का है पीछे का तो कुछ काम ही नहीं रह गया तो जितनी आगे की मसल है कॉन्ट्रैक्ट कर गई हैं हमारी इवोल्यूशन की वजह से धीरे धीरे करके हम आगे जाते जा रहे हैं और पीछे की मसल वीक होती जा रही है अब आगे भी आप पिलो लगाएंगे ना मोटा तो आप आगे फेवर भी फेवर कर रहे हैं पूरे दिन फेवर किया और आपने रात को भी फेवर किया तो धीरे धीरे कर्वेचर चेंज हो जाएगा हमारी गर्दन का तो हमारी गर्दन का कर्वेचर ऐसे होता है सी कर्व होता है आप जैसे ही पिलो लगाएंगे ना तो धीरे धीरे करके डाइलेट कर जाएगा सीधा हो जाएगा कर्वेचर फिर आपको जकड़न नकड़न स्टार्ट हो जाएगी क्रैकिंग करने का मन करेगा ऐसे झड़काते हुए देखा होगा आपने लोगों को कभी ऐसे करते होगा वो स्टिफनेस उसी वजह से जनरेट होती है गर्दन का कर्वेचर चेंज होगा कभी आप सामान आपने थ्रो किया नस दबेगी ही दबेगी सही कह रहे हो सर लोग क्या करते हैं करते हैं हैं डबल मोड़ते हैं उसको और मोटर लगा के सोते हैं मेरे घर में सोते हैं ऐसे तो <laughs> सर थोड़ी ना एक्सट्रीम जो आपने सर्जरी से लोगों को बचाया आपके केसेस बताओ वो थोड़ा देखिए अभी हमें 11 साल हो गए इस प्रैक्टिस में और इन 11 सालों में हमने एक लाख अट्ठावन हजार लोग दिखे और उसमें से बत्तीस हजार पाँच सौ सर्जरी हमने जुलाई तक सेव करी हैं बचाई हैं लोगों को उसमें से ज़्यादातर सर्जरी कमर की और गर्दन की थी कमर की स्पेसिफिकली तो एक बहुत बड़ा नंबर है ये मेरी कोशिश यही रहेगी कि जब मैं, मैं रिटायरमेंट तक जब तक प्रैक्टिस करूँ तो दस लाख लोग देखूँ कम से कम और एक लाख लोग कम से कम सर्जरी से बचाऊँ मैं सर so डेफिनेटली ये तो आप करने ही वाले हो क्योंकि जिस स्पीड से आप बढ़ रहे हो तो ये नंबर्स तो आप मुझे लग रहा है अगले पाँच साल में अचीव कर लोगे और जिस हिसाब से लोगों का पेन भी बढ़ रहा है सर कमर दर्द वैसे एक बहुत कॉमन फैक्टर हो गया कमर दर्द जैसे अभी तो हमने नेक पेन की बात करी कि काम करते हुए लोगों की नेक या सोते हुए तो कमर दर्द के बेसिकली क्या ये एज से आता है या किस वजह से आता है या सिटिंग पॉस्चर्स की वजह से या मतलब क्या रीज़न है जब हमने शुरू शुरू में प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी तो हमें सिर्फ चार या पाँच पेशेंट आते थे दो हज़ार की लास्ट तक दो तक वो हमारा आई वी आर बिजी जाता है तो लोगों के पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पहले एक नंबर हमने जारी किया बिज़ी रहा दूसरा नंबर जारी किया बिज़ी रहा तीसरा नंबर भी बिज़ी रहता है अभी हम सोच रहे हैं कि नंबर और ऐड करें क्वारी सोल्व नहीं कर पा रहे और आप जानकर हैरान होंगे कि इसमें जितने भी ज़्यादातर लोग जो है ना वो हैं अट्ठारह से लेकर तीस साल की उम्र वाले एट्टी लोग जो पहले कंसिडर करते थे ये बुढ़ापे वाली प्रॉब्लम पचास के बाद आने वाली प्रॉब्लम अब वो प्रॉब्लम तीस के अंडर अंडर आती है जिसमें कमर दर्द गर्दन का तो बड़ा ही कॉमन हो गया है सर ऐसा क्यों है वैसे ये लाइफस्टाइल की वजह से ही है लाइफ की वजह से हमने अभी एक्सप्लेन किया ना हमारा सोने का कोई ठिकाना नहीं है हमारा जगने का कोई टाइम नहीं है न्यूट्रिशनस डाइट नहीं है हमारी स्ट्रेसफुल बॉडी हमारी ठीक है डेफिशेंसी रहती है बीट मेल की डी थ्री की हाइड्रेशन नहीं है क्योंकि ए सी में रहते हैं पसीना आएगा नहीं पानी कब आप कम पियेंगे ऑर्गन आपके अच्छे से काम नहीं करेंगे लोगों का रील देखने का टाइम तय नहीं है कितने घंटे कंटेंट कंज्यूम करना लगे पड़े दवा दवा लेट के अच्छा सर जैसे आप जैसे बहुत कॉमन पेन है बैक पेन या हेड हो गया या फिर तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपके ट्रीटमेंट के लिए कोई आता है तो वो कितना लंबा प्रोसेस होता है कब तक आप ट्रीट करते हो एक आदमी को एक पेशेंट को कि इतने टाइम तक ठीक हो जाओगे देखिए डिपेंड करता है सीवियरिटी पर अगर मान लीजिए एक महीने का दर्द है तो एक बार में ही काम उसका हो जाएगा अब कुछ महीने हो गए हैं बॉडी की आदत है हर चीज़ को सेटल करना जैसे किसी का हाथ टूट गया तो अगर आप नहीं जोड़ेंगे बॉडी तो उसको जोड़ देगी अपने तरीके से गलत जोड़ेगी टेढ़ा जोड़ेगी तो वैसे ही प्रॉब्लम बॉडी प्रॉब्लम जो है बॉडी ना प्रॉब्लम को अपने आप में ऑब्जॉर्व करके उसको एक अलग ढंग से जोड़ने की कोशिश करती है अपने आप से तो उसको गलत जोड़ेगी उसकी स्वेलिंग को अपने तरीके से हटाने की कोशिश करेगी तो जैसे जैसे दिन बीतते हैं वो प्रॉब्लम क्रॉनिक होने लगती है ये जो आपने एक आम जनता की प्रॉब्लम है कि 18 से 30 साल के जो बच्चे होते हैं वो अपनी लाइफस्टाइल की वजह से बैक में पेन अक्सर फेस करते हैं तो वो कब तक आप सही कर देते हो डिपेंड uh, जैसे मैंने बताया डिपेंड करता है कि अगर आपकी प्रॉब्लम एक महीने की है तो एक बार में ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी इससे ज़्यादा है तो दो या तीन बार लग सकता है क्योंकि बॉडी अडेप्ट कर रही है ना उसके साथ साथ में अगर किसी के प, uh, ये जो आप दो या तीन बार कह रहे हैं मतलब दो तीन बार आपको विजिट करना है बस दैट्स 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 इट 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 दरसेट कुछ एक एडवाइजेज बता देंगे कुछ एक एसरसाइजेज बता देंगे कुछ उसके एक पोस्टर के तरीके गलत हैं उसको सिखा देंगे समझा देंगे कुछ एक रिटर्न फॉर्मेट दे देंगे ये खाइए ये ना करिए ये करिए और पेशेंट अपने आप ठीक हो जाता है बेसिकली आइडिया है कि उसको नेचुरल तरीके से ठीक करना एक फ्लस्टिक मैनेजमेंट ठीक करना क्योंकि आज के दिन दवाइयाँ कोई नहीं लेना चाह रहे लोग चाह रहे हैं नेचुरल तरीके से ठीक होना एंड दैट्स वेयर द बहुत सही तो बात तो ये है नेचुरल वे है ठीक नेचुरल सर मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम है पर्सनली भी और बहुत सारे लोगों में मैंने भी ये चीज़ देखी है जिनकी थोड़ी सी हाइट टॉल होती है बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं जैसे मेरे कंधे झुक गए आगे को तो बहुत सारे हम एड्स भी देखते हैं या चीज़ें देखते हैं जो ये पॉस्चर करेक्टिंग बेल्ट्स आती हैं या बहुत सारे लोग मतलब अलग अलग चीज़ें बताते हैं पॉस्चर करेक्ट करने के लिए तो काइरोप्रैक्टिक भी इसमें हेल्प करते हैं जो शोल्डर या जैसे मैं मेरे साथ ये हुआ कब तक जब मैं बेसिकली जॉब करनी पड़ रही पड़ी थी हमें तो ऐसे पूरा दिन ऐसे लैपटॉप पे काम करते रहते थे तो भी ऐसे हो जाते थे कूब निकल जाता था तो अब आदत वही बन गई और बिना बैक रेस्ट के बैठो तो बैक पेन होता है तो उस केस में क्या मुझे आपके आपको विजिट करना चाहिए या वो पॉस्चर करेक्टिंग बेल्ट लगा के उसे ठीक होता है उससे मतलब क्या रहता है इसके बारे में थोड़ा बताओ क्योंकि बहुत ज्यादा एड्स आ रही हैं आजकल फेसबुक वेसबुक पे कि ये ऐसे से ऐसे हो जाओगे तूने एक दो देख कि फिर मैंने तो ऑर्डर भी कर ली और मैंने मंगाई भी कुछ दिन पहनी भी पर अब वो ऐसी पड़ी हुई है तो जरा इस केस को बताओ आपने बहुत जरूरी सवाल पूछा है बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखिए मैं इसको बोलता हूँ वन टू का फोर इसमें क्या होता है कि पहला महीना हुआ पहले महीने में दर्द होता है पेशेंट को किसी को भी तो पहले महीने गौर नहीं करेगा वो ह्यूमन साइकोलॉजी है यार ऐसे खिंच गया होगा ऐसे ही हो गया होगा ऑफिस ऑफिस जाता रहेगा एक महीना बिता देगा एक महीने के बाद उसको लगेगा यार जा नहीं रहा इसका कुछ करना पड़ेगा दूसरे महीने वो क्या करेगा बाम वाम स्टार्ट कर देगा लगाना कोई तेल बता देगा मम्मी को बोल देगा मम्मी कुछ हल्दी वल्दी लगा देगी दूसरा महीना हो गया तीसरे महीने में वो लगेगा यार अब तो ये थोड़ा सीरियस प्रॉब्लम है अब इसका कुछ करना पड़ेगा जब वो सर्च करने लगता है ना इंस्टाग्राम पे सर्च कर लिया गूगल पे सर्च कर लिया आपको पता है मार्केटिंग वाले उनको पता है कहाँ से की आ रहा है कहाँ से सर्च आ रहा है तो जैसे आप सर्च करोगे आपको फटाक से जैसे कि ऊपर से आम के पेड़ से आम गिरता है ना आपको वो एड आ जाएगी पहली ऑप्शन देखे जाते हैं पहले ऑप्शन और ये इतना इंटेलिजेंट गेम है आपको लगेगा यार ये ये प्रोडक्ट ना मेरे लिए ही बना है क्योंकि उस उसमें डिस्क्रिप्शन भी बड़ा बढ़िया दिया होता है उसके इमोशंस बड़े बढ़िया होते हैं और उसमें मतलब जैसे भी दिखाया गया कि जैसे आप उसको पहनोग आप स्ट्रेट हो जाओगे hmm. तो इन इंसान उससे कनेक्ट कर जाता है एंड पीपल एंड अप बाय द प्रोडक्ट सही कह रहे हो ठीक है उसको पहने का एक दिन दो दिन का छोड़ देगा जैसे कि सोम ने बताया yeah. दो दिन पहनी छोड़ दी क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है वो चीज़ hmm. ये चीज़ इसलिए वन टू का फोर है तीसरे तीसरे महीने ये किया अब चौथे महीने करेगा कि यार ये प्रोडक्ट भी काम नहीं कर रहा अब वो क्या करेगा सर्फिंग करने लग जाएगा यूट्यूब पर कि कौन सी एक्सरसाइज करूँगा अब प्रॉब्लम क्या है एक्सरसाइज के साथ में कि वो एक्सरसाइज रेंडम देखेगा रेंडम करने लग जाएगा उसका पेन और बढ़ जाएगा क्योंकि सबकी बॉडी अलग है सबकी प्रॉब्लम अलग है तो वन टू का फोर होते होते उसका पेन बहुत बढ़ जाता है तो इसलिए इसको मैं बोल रहा हूँ वन टू का फोर ठीक है अब इसमें है क्या ये ना एक बिगेस्ट थ्रेस्ट थ्रेट है सोसाइटी का इसमें क्या है कि आप पॉस्चर को अपने बैड पॉस्चर को कंफर्टेबल करना चाह रहे हैं डिवाइस के साथ में आप समझिए उसको ठीक नहीं करना चाह रहे आपने डिवाइस लिया और आप ये उम्मीद करते हैं आपका बैड पोस्टर उसके अंदर कंफर्टेबल हो जाए रादर देन योर ट्रीटिंग और बैड पोस्टर आपने बेल्ट लगा ली सपोर्ट तो मिल गया बट वो एक पैसिव सपोर्ट है ना पैसिव सपोर्ट मतलब आपकी मसल को उसने पकड़ लिया जकड़ लिया होल्डर का तो ठीक है जैसे ही निकालोगे और दर्द करेगा वो प्लस जब आप एक्सनल सपोर्ट देते हैं वो मसल और वीक होती है तो आपको रीज़न जानना ज़रूरी है मसल वीक क्यों हुई उसको स्ट्रेंथन करना है नहीं तो वो अगर बेल्ट वगैरह पहनी या कुछ और पहना तो धीरे 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 और वीक होता रहेगा तो इस केस में सर आ, आपके पास आना चाहिए मतलब हाँ एक प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए आपको आपका रीज़न क्या है क्यों हो रहा है इसका रूट कोज क्या है ऐसा क्या कर सकते हैं इसको सुधारने के लिए वो चीज़ आपको बताएंगे अगर लगेगा कि नवस दब गया है उसको ठीक कर देंगे फिक्स कर देंगे बहुत सारे ऑफिस गोअर्स होंगे जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे जो दिन भर लैपटॉप पे बैठे होंगे तो कुछ एक क्विक रेमेडीज अगर आप बता सकते हो तो बहुत हेल्प हो जाएगी हमारी जनता की देखिए मैं सर अरे उसके तो पैसे लेता हूँ तुम क्या बात कर रहे हो लेकिन सर उसकी रील बहुत वायरल जाएगी देखो आप ही की घर बैठे बैठे कुछ हो जाएगी घर बैठे बैठे प्रॉपर एक्सरसाइज देखिए मैं आपको एडवाइज़ करूँगा कि हार्ड चीज़ पे ही बैठने की कोशिश करिए और बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए जैसे कि हम दो तीन घंटे असाइनमेंट लगे हुए हैं तो थोड़ा थोड़ा पैंतालीस मिनट उठते रहिए एक पानी की बोतल सामने होनी चाहिए क्योंकि प्यास तो हमें लगती नहीं क्योंकि ऐसे ही बैठे रहते हैं तो पानी की बोतल सामने रहेगी तो हम उसको एटलीस्ट पीते रहेंगे पाँच से छः लीटर पानी होना जरूर चाहिए डिहाइड्रेशन से होना चाहिए कुछ करें ना करें आप वॉकिंग ज़रूर करिए पैंतालीस मिनट की वॉकिंग इज द बेस्ट इन कम्पलीट एक्सरसाइज योग करते हैं तो सबसे उससे बेस्ट है ये चार पाँच चीज़ें नाइनटी परसेंट प्रॉब्लम ठीक कर सकती हैं ऑफिस वालों को सही बहाना मिल गया बाहर जाके वो कर रहे छुट्टा ब्रेक लेने का पैदल, पैदल, पैदल कहेंगे तो वॉकिंग ब्रेक चल रहा है सर जाके चल के छुट्टा पी के हाँ सर yes. सुट्टे से एक कॉमन प्रॉब्लम याद आई जो आजकल चल रही है कि जैसे लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट कंज्यूम करते हैं या फिर स्ट्रेस वगैरह में घूम रहते हैं ज़्यादातर जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसको कहते हैं वो वो भी इस चीज़ से आप टैकल कर सकते हो कायरो प्रैक्टिक यस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन करते हैं हम लोग थोड़ा, थोड़ा सी ईजी भाषा में ऑडियंस को समझा दो ही होता क्या देखिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है जब आपका जो पेनिस है आ, उसमें इरेक्शंस ख़त्म हो जाए जीरो या मिल रहे हैं इरेक्शंस Uh, उसकी वजह से इरेक्टल डिस्फंक्शन होता है अब इसके बहुत सारे कारण होते हैं जैसे स्ट्रेस अगर आपका रहता है बहुत ज़्यादा तब रहता है एल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा है स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है जेनेटिकल फैक्टर हो सकता है आपके कोई बॉडी में जीन है जिसकी वजह से हुआ ये सब चीज़ें uh, आपकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है सोशली भी मेंटली भी तब भी आपका दिमाग उन एक्टिविट, एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा तब भी वो इरेक्टल डिसफंक्शन हो जाएगा हमारा इसमें काम होता है कि नस एक जाती है हमारी एक पहली और दूसरी हड्डी से वो निकल के सप्लाई करती है पेनिस को उसको इरेक्ट करने में हेल्प करती है या ब्लड फ्लो में हेल्प करती है तो जब हम उसको अलाइन करते हैं तो उसमें हेल्प मिलती है प्लस आ, हमारे पास कुछ मशीनें हैं जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस को ठीक करने में हेल्प करती हैं उसको हम यूज़ करते हैं शॉक वेव थेरेपी जिसको बोलते हैं हम लोग हल्का हल्का माइल्ड सक दिया जाता है पैनिस को आ, बड़ा जेंटल एक कंट्रोल थ्रस्ट होता है उसमें दर्द नहीं होता बेसिकली जो मसल्स आपकी सिकुड़ गई हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए ब्लड फ्लो पहुंचाने के लिए करा जाता है सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इंडियन सोसाइटी को लेकर जैसा कि लोगों ने अभी यहाँ पे हमने जो वीडियोस प्ले करी आपकी उसमें भी देखा होगा और हमने बाहर की वीडियोस में भी देखा है क्योंकि ये बाहर शुरू हुआ है तो बेसिकली आप जो ट्रीटमेंट देते हैं वो लोगों को टच करके बॉडी पॉस्चर से उनके करेक्ट करते हैं बट इंडिया में फीमेल्स में थोड़ी ये प्रॉब्लम रहती है कि मतलब वो इतना ओपनली कायरोप्रैक्टर के पास नहीं जाना प्रेफर करेंगे इस वजह से कि ऑकवर्ड ना हो जाए एंड यू बीइंग अ प्रोफेशनल डॉक्टर आप तो उनके पेन क्योर कर रहे हो तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा बताओ कि मतलब कैसा वो प्रोसेस रहता है ताकि हर कोई ओपन अप हो

पहली बात तो वो एक कंट्रोल्ड uh, uh, लिखित में लेते हैं कि वो अपनी वीडियो पब्लिश कराना चाहते नहीं कराना चाहते पहली बात तो बनाना चाहते कि नहीं बनाना चाहते सर वीडियो तो चलो अलग ही बात हो गई मैं पूछ रहा हूँ ये प्रैक्टिस एज अ होल क्योंकि uh, जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तब क्या कुछ ऐसा ऑकवर्ड सिचुएशन होती है तो आप उसको कैसे टैकल करते हो और बहुत सारे लोग यही सोच कर नहीं आते कि एक एक मेल डॉक्टर एक फीमेल डॉक्टर को टच करेगा तो इट इट विल विल बिकम ऑकवर्ड तो उसको आप कैसे टैकल करते हैं हाँ आपके देखिए बिंग ए डॉक्टर हम मेल या फीमेल नहीं देखते हैं। हमारे सामने सिर्फ एक पेशेंट है उसका जेंडर हमें कोई मतलब नहीं है क्या किस जेंडर से है वो हमें सिर्फ बीमारी दिखती है उसकी क्या प्रॉब्लम उसकी दिखती है और उससे हम उसकी इमोशन समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों दर्द उसको हो रहा है किस वजह से दर्द हो रहा है और हमारे एथिकल ऐसे प्रैक्टिस हैं हम उस तरीके से टच करते हैं कि पेशेंट को ऑकवर्ड भी ना लगे एक साइंटिफिक वे से टच करते हैं और कोशिश करते हैं कि फीमेल पेशेंट को हम आ, उसकी बातों से कनेक्ट करने की कोशिश करें वो क्या समझाना चाह रही है हमारी एक्सपर्टी से ढूंढने की कोशिश करें बिना टच करें कि ये चीज़ हो सकती है आंटी नाले समय लगे नहीं कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है या कहीं गाठ बनी है या नर्व्स है तभी हम टच करते हैं दूसरा आ, इसमें कोई ओकवर्ड सिचुएशन जैसा कुछ नहीं है क्योंकि पेशेंट को हम जो है एक लगता है कि चीज़ें उसके कपड़े वगैरह ठीक नहीं है तो वी हैव कॉस्ट्यूम्स हम कॉस्ट्यूम बना देते हैं उसको राउंड नेक टीशर्स होती है आराम से वो कंफर्टेबल हो सकती है आ, लवर होती है हमारे पास में वो बना सकते हैं ठीक है थीके? तो कम्फर्टेबल होकर ट्रीटमेंट करते हैं फिर भी अगर फीमेल पेशेंट को लगता है कि थोड़ा कम्फर्टेबल नहीं है तो वी हैव हैवे फीमेल थेरेपिस्ट वेल फीमेल कारो डॉक्टर वो करती है बट इंडिया ऐसे स्टेटस पे आ गया है कि ऐसा नहीं सोचता लोग बहुत मच्योर हैं बहुत समझदार हैं उनको पता है कि ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं तो ट्रीटमेंट होता है जेनवन ट्रीटमेंट होता है उस सोच से लोग इंडिया के उबर चुके हैं सर ये चीज़ है लेकिन पता है ये हम लोग सोच रहे हैं हम लोग ये हम लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं बेसिकली तो हम लोग वैसी सोच हमारी है नहीं लेकिन इंडिया की जनता की मोस्टली सोच ऐसी है जो कि गलत नहीं है क्योंकि उन उन लोग के माइंड में ऐसा आ जाता है तभी तो ऐसे जैसे, जैसे बहुत सी मूवीज क्यों बनती है कि यार फीमेल गायना होनी चाहिए मेल गायना नहीं चाहिए मुझे कोई hmm. तो इसलिए क्वेश्चन थोड़े से अभी भी रूरल मतलब सर देखो इंडिया की जो मेजर पॉपुलेशन है वो थोड़ा लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं हम मेजर विलेजेस जहाँ तक ये साइंस पहुँचनी चाहिए जहाँ तक ये हेल्प पहुँचनी चाहिए वहाँ के लोगों में थोड़ा टैबू होता है ये कि नहीं मेल अलाउ नहीं करते अपनी वाइफ को जाने देना इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर ये पॉडकास्ट उन तक भी पहुंचता है तो बस अवेयर होना चाहिए कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो प्रोफेशनली उनको सिर्फ ट्रीट करा जा रहा है और ऐसा आप जैसे प्रोफेशनल्स हैं तो अच्छे से ट्रीटमेंट ही होगा इसलिए मेरा मकसद था ये आपसे क्वेश्चन पूछने का और आई एम श्योर आपने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई भी कर दिया ये सिचुएशन देखिए तो सोशल मीडिया की ब्यूटी ये है कि सोशल मीडिया हमें कनेक्ट करने देता है कि हम किस इंसान के पास जा रहे हैं पहले होता था कि जी आप ए बी सी डॉक्टर के पास चले जाओ उस ए बी सी डॉक्टर का सिर्फ नाम पता है वो कैसा दिखता है उसकी शक्ल कैसी है उसका बिहेव कैसा नहीं पता फॉर एग्जाम्पल हम पॉडकास्ट बना रहे तो लोग मुझे जानते हैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो मैं उन उनको मेरा बिहेवियर पता है मैं कैसे बात करता हूँ कैसे करेक्ट करता हूँ तो एटलीस्ट एट्टी परसेंट क्लैरिटी तो उनको है मेरे बिहेवियर के बारे में ट्वेंटी परसेंट जब उनकी बात सुनते हैं फिजिकल देखते हैं उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं तो वहाँ ट्वेंटी परसेंट क्लैरिटी आ जाती है तो सोशल मीडिया ये बड़ा बढ़िया काम कर रहा है यहाँ पे कनेक्ट करने का काम कर रहा है तो उनको ऑलरेडी पता है मैं कहाँ किस जगह पे जा रहा हूँ ऑलरेडी सही बात है सर तो सर अभी आ, अगर मैं आपके गोल पूछूँ आपने वो बताया कि आप रिटायरमेंट तक क्या प्लान कर रहे हो बट मैं नेक्स्ट टू थ्री ईयर्स का देखूँ तो अभी आप कैसे प्लान कर रहे हो इसको और ग्रो करने का और अवेयर करने का लोगों को कुछ है माइंड में आपके अभी वी हैव स्टार्टेड थ्री क्लिनिक्स देयर ओनली इन गुड़गांव गुड़गा गुड़गा हम नए लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं उनको चीज़ें नई चीज़ें बता भी रहे हैं वी ट्राइंग टू हेल्प द एज मच एज वी पीपल वी कैन जैसे कि मैंने बताया हमने अभी तक एक लाख अट्ठावन हज़ार लोग देखे हैं कोशिश ये रही कि आने वाले सालों में धीरे धीरे लोगों की हेल्प हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्जरी से बचें छोटी छोटी चीज़ों के लिए सर्जरी के एटलीस्ट ना जाए ठीक है और इससे बहुत अच्छा भी लगता है अब जैसे दो वाक्य मैं बताऊँ आपको एक फ्लावरिस्ट था तो उसने नया नया अपना काम स्टार्ट किया था फूल बेचने का उसने तो उसके कैमर कमर में दर्द हुआ क्योंकि उसने करेट उठाई फूलों की भाई तो आया हमारे पास में ठीक हमने उसको फिक्स कर दिया उसको उसका फाइनेंशली इतना अभी वो स्ट्रॉन्ग नहीं था बट वी डिड इट अब हर महीने वो एक तारीख को बूके भेजता है फ्लावर अच्छा तो उस बूके को देख कर याद आती कि यार अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग हाँ है? तो हर हर महीने एक बार वो भेजता है तो मज़ा आता है कि हम जो काम कर रहे हैं ना एटलीस्ट सोसाइटी की हेल्प हो रही है परमात्मा ने जिस काम के लिए भेजा ना वो काम हो रहा है ठीक है दूसरा वाक्य जो मैं बताऊँ आपको एक बच्ची थी एथलीट थी तो प्रैक्टिस करते करते गिर गई वो उसकी टेल बोन अंदर मुड़ गई थी अंदर की तरफ मुड़ जाती है तो हमने उसका दो दिन के बाद उसका नेशनल था उसके फादर साहब परेशान उसका पूरा फैमिली आई हुई बच्ची ने चार पाँच साल बहुत मेहनत करी उस दिन का आने के लिए और जब दिन आया तो वो उसको इंजरी हो गई और हमने उसको फिक्स कर दिया अलाइनमेंट करा उसका टेल बोन फिक्स होगी उसकी बिल्कुल ठीक होगी जब वो नेशनल से खेल के वापस आई तो उसने मेडल मेरे गले में डाल दिया अरे कि सर ये आप डिजर्व करते हो वाह सर बहुत अच्छी बात है आप इतने लोगों को सर्जरी से भी बचा रहे हो तो वो वो बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि वर्थ लगता है पूरा काम फिनिश करके आप घर जाते हो ना तो आराम से रिलैक्स करते हो कि आप पूरा दिन ना बढ़िया काम करके आए हो एटलीस्ट सोसाइटी को आप जितना आपने लिया वापस दे रहे हो साथ ही साथ मैं ऑडियंस को बता दूँ भाई तो आप लोग सर को सर के पास जरूर विजिट करें क्योंकि सर्जरी से आप लोग बच रहे हो जो मेन प्रॉब्लम होती है ना कि यार मुझे बस पैसा स्पेंड नहीं करना और मेरा काम बन जाए पैसा भी नहीं आजकल एक सर्जरी से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और भी आ जाती हैं क्योंकि जैसा सर बता रहे थे सर्जरी के टाइम पे दस चीज़ें और नहीं पता चल जाएं या और खर्चा तो होता ही है टाइम भी जाता है बहुत चीज़ों से फिर रिकवरी में भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता है उससे बेटर है कि जब आप जैसे सर वन टू का फोर भी बात कर रहे थे तो स्टेप वन पे ही सही जगह पहुंच जाना चाहिए इंसान को डिले नहीं करना चाहिए किसी भी तरह का पेन आप फील कर रहे हो तो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल कर, अपनी के अपनी बॉडी के लिए टाइम निकाल कर आप विज़िट कर सकते हैं किसी भी कायरोप्रैक्टर को सर को तो स्पेशली सर हमने मोटा मोटी ये तो जान लिया कि यूजुअल केसेस आपके पास कैसे कैसे आते हैं बट कभी कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड केस भी आते है कि आपको ही नहीं समझ आ रहा इस केस में मैं करूँ क्या कौन सी नस दबी है मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा या फिर पेशेंट ने जो बोला है उसको पता ही नहीं है वो गलत बोल रहा है आपने कुछ परख लिया ये तो भाई कुछ उल्टा ही क्योंकि ऐसे कई लोग होते हैं ना नहीं सर है तो है अटक जाते हैं तो ऐसा भी होता है आ, ऐसा होता है आप सही कह रहे हो वैसे हर रोज पाँच दस केसेस होते हैं अच्छा लोग आ रहे हैं आजकल बी में मर्सिडीज़ में आके आते हैं अब इतना बड़ा स्टेटस है आप उनकी बात पकन तो करना पड़ेगा आपको <laughs> सही बात आपकी बात उनको सुननी पड़ेगी तो क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि जैसे कि प्रॉब्लम बताते हैं कि मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है मेरा पेट ऊपर चढ़ रहा है या मेरे गले में घुटन हो रही है या मुझे लगता है कि जब मैं ऐसे करता हूँ तो मेरी छाती सिकुड़ती है तो बड़े अजीबो सिम्टम्स भी होते हैं ये सारे ना एंग्जाइटी रिलेटेड होते हैं कई लोगों को बीच में होती है सांस लेने की आदत होती बात करते करते सांस लेते हैं कई लोगों को हेयर फॉल समझ में आने लगता है मेरे को हेयर फॉल हो गया है कई लोग लगता है मेरे कान टेढ़े हैं कुछ कुछ होने लगता है कुछ लोग मेरी आँख छोटी मेरी आँख बड़ी है तो जब ऐसे सिम्टम्स आते हैं ना तो वहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए क्योंकि ये ना एक हाइपोथेटिकल कम्प्लेंस है रियलिटी में कंप्लेन नहीं इनको स्टाबलिश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए अब फिर उसकी बात समझना उस उससे कनेक्ट करना ज़्यादातर ये जो केस होते हैं एंगजाइटी रिलेटेड ही होते हैं तो आप वैसे बोल देते हो कि कुछ नहीं है या फिर बात सुनते उस हो उस केस में कैसे के रखते हो समझाते हो कि भाई तेरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ हुआ यहाँ पे एक प्रॉब्लम है आ, कि अगर आप किसी भी एंग्जाइटी पर्सन को आप बोलेंगे यू हैव एंग्जाइटी तो वो ये नहीं सोचेगा कि उसने सही बताया उसने ये सोचेगा मेरी बात सुनी नहीं जा रही है तो वो एंगजाइटी और उसको और हावी होगी एंड ही बिकम अग्रेसिव या तो लगेगा इनको पता ही नहीं, पता ही नहीं, क्या नहीं है? पता ही नहीं पता ही नहीं उनको तो हम सब बात समझते हैं सुनते हैं हमें लगता है जेनवन प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करते हैं अगर हमें लगता है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती इज जस्ट अ माइंड गेम उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा है तो हम उसको बताते हैं दिस इज एंगजाइटी यू नीड अ साइकोलॉजिस्ट हेल्प या कोगनेटिव बिहेवियर थेरेपी कराइए एक पेन मैनेजमेंट थेरेपी होती है जिसमें पेन होता नहीं है दिमाग सिर्फ महसूस करता है तो फ्रेंकली बोल देते हैं कि यू हैव दिस एंड यू हैव दिस तो वो ओपनली एक्सेप्ट करते हैं एक आपको कनेक्ट करना पड़ता है ना उसकी बात समझनी पड़ती है यू हैव मेक ए फ्रेंडली बिहेवियर विद द आप डायरेक्टली मना करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि वो चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं करता उनका दिमाग उनका दिमाग इस तरीके से है कि उनको लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है तो कुछ लोग ऐसे भी ऑफेंड हो जाएंगे गुस्सा करेंगे फेंडिंग लगता है तो उनसे बात समझना पड़ता है अब अब वो पेशेंट है उसकी बात समझने में पड़ती है उसकी बात सीखनी भी पड़ती है सुननी भी पड़ती है और हमारी जिम्मेदारी है एक्चुअली जिम्मेदारी भी है उसको ठीक करने की उसको समझाने की भी सही, सही बात है सर बहुत बढ़िया सर और कैसे कैसे डिस्क्रिप्शन मिलते हैं आपको उनके सिम्टम्स सिम्टम्स उनका स्यंटम, कैसे बोला ये चूंकि इतने साल हो गए हैं प्रैक्टिस में पहली पाँच मिनट में पता लग जाता क्या प्रॉब्लम है अब बाकी जो जितना भी कन्वर्सेशन होती है हम वो कनेक्टिव कन्वर्सेशन होती है हम उसको इतना टाइम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसको पता लगे कि हम उसकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं प्रॉब्लम तो हमें पाँच मिनट में पता लग गई है बट उसको हम एक्चुअली दिमाग एक्चुअली फील्ड है एंजाइटी से घर की प्रॉब्लम से ऑफिस से आ, आ, अपने पार्टनर से तो वो सब कुछ खाली करना चाहता है हमारे के ऊपर तो हम भी ये बात समझते हैं हमारी जिम्मेदारी है समझना पूरा टाइम देंगे उसको समझेंगे हम क्या क्या बोला इसके बाद बताएंगे स्टार्ट ये प्रॉब्लम हुई आप और इस तरीके से ये सॉल्व होगी अच्छा सर काफ़ी लोग क्या करते हैं अगर किसी को पेन हो रहा है या तो वो खुद से ट्रीट करते हैं अपने दोस्तों से बोलते हैं या फिर इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं ऐसी रैंडमली किसी के पास चले जाते हैं तो वो एंड अप कर जाते हैं अपनी मसल में और पेन करना या फिर हड्डी भी काफ़ी टूट जाती हैं तो उसमें क्या क्या रिस्क होता है ज़्यादा से ज़्यादा वो आप एक्सप्लेन करो नहीं आपने बहुत सही सवाल पूछा है देखिए जो जो बोन सेटिंग होती है दो तरीके की होती है एक होता है ट्रेडिशनल बोन सेटर होते हैं जो हमारे गली मोहल्लों में अलग अलग जगह पर आपको मिल जाएंगे कि पीपल के नीचे मिल जाएगा कोई पुराना आदमी मिल जाएगा वो जो अलाइनमेंट करता है वो सेटिंग करता है एक तो वो हो गए एक होते हैं प्रोफेशनल होते हैं जो जिन्होंने किसी तरीके की फॉर्मल डिग्री करी है किसी तरीके की फेलोशिप करी किसी तरीके की पढ़ाई करी है जो इसमें जानकार रखते हैं अच्छा इसमें फिर दो तरीके के लोग होते हैं जो जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है वो क्या करेंगे उनको दो तीन मेथड आते हैं उसी मेथड से वो ट्रीट करेंगे उसी मेथड से झटका देंगे उसी मेथड से झटका दे देंगे बट उनको कई बार ये नहीं पता होता कि वो बोन ना बाईबर्थ ही जुड़ी होती है या बाईबर्थ ही चिपकी होती है क्योंकि वो एक ही लाठी से सबको हाँकते हैं तो उसमें इंजरी होने के चांसेस होते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वो इंजरी ना थोड़ी थोड़ा डेंजरस टाइप की इंजरी होती है आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते दूसरी तरफ जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो एक्स रे देखेंगे आपकी हिस्ट्री पूछेंगे किस तरीके से हुआ एक्सरे को मैच करेंगे आपके सिम्टम से तब अलाइनमेंट करेंगे तो जो प्रोफेशनल कार्योप्रैक्टिक करेगा वो 99.9% ही बिल्कुल ठीक रहेगा मतलब 100% परसेंट एक्यूरेसी के साथ में रहता है तो रिस्क फैक्टर प्रोफेशनल कार्योप्रैक्टिक के साथ नहीं है अनप्रोफेशनल के साथ है बिल्कुल सर किसी रोड वाले के पास जाओगे तो वो तो कुछ भी कर देगा कैसे भी चटका दिया कुछ पता ही नहीं है ना वो एक्सरे ले रहा है ना कुछ ले रहा है हर रोज लोग आते हैं कि मैंने अपने दोस्त को बोला कि मेरे को ऐसे चटका दे जिम में होता है ना कि वो चटकाया उसने और वहीं पे मतलब हाँ सांस मेरी रुक गई और फिर वहीं पे जो बोन है वो क्रैक हो गई ऐसा होता है क्योंकि जोर नहीं पता होता कितना जोर लगाना है बस लोगों को क्रैक निकालने से मतलब क्रैक आ जाए कैसे आ जाए एक पहले झटका का हमारा क्रैक नहीं आया दूसरे झटके में नहीं आया तो वजन तो बढ़ा रहा है धीरे धीरे वो प्रेशर डाल रहा है तीसरे झटके क्रैक आएगा बोन भी टूट जाएगी सही कह रहे हो सर ये बहुत प्रोफेशनल के पास जाना बहुत यहाँ पे जरूरी है भाई आशा करते हैं इस पॉडकास्ट के बाद तो काफी जनता भाई घर बैठे ट्रीटमेंट नहीं करेगी और प्रोफेशनल लोगों के पास ही जाएगी पर सर आप बिजी भी तो हो तो अगर कोई आप जैसे बिजी हो इतने तो आपके पास कैसे आए लोग वी वी हैव ए टीम हम उसमें ये देखते हैं कि प्रॉब्लम आपकी क्रॉनिक है अभी स्टार्ट हुई है अगर कुछ दिन पहले स्टार्ट हुई है वी हैव वेरी गुड टीम ऑफ द डॉक्टर वो डील करते हैं अगर लगता है कि भाई थोड़ी क्रॉनिक है तो फिर हमने एक इंटरमीडिएट टीम बनाई वो डील करते हैं अगर लगता है कि बहुत ही ज्यादा क्रॉनिक है तो वो मेरे पास आते हैं एक फिल्टर सिस्टम बना रखा है लेवल आ, बना रखा है हाँ हाँ हेल्प सबकी हो वेटिंग कम से कम हो बहुत बढ़िया लवली सर एंड uh, सर से जुड़ी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है सर कंटेंट भी बनाते हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम में इंस्टाग्राम का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है ही यूट्यूब का गोल बटन आपकी स्क्रीन पे भी आएगा उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है आप इनका कंटेंट भी देख सकते हैं ताकि आपके पास भी अवेयरनेस हो और इन्फॉर्मेशन हो और आप खुद के डॉक्टर ज़्यादा कोशिश करें ना बन पाए एक प्रोफेशनल के पास जाएं पर खुद चीज़ें आपको पता हो कि इस केस में आपको क्या करना है और किन से विज़िट करना है तो दोस्तों मिलेंगे एक बढ़िया से पॉडकास्ट के साथ आपसे फिर फ़िलहाल आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और सर आप जाते जाते कुछ कहना चाहते हो जनता से तो वो आपका कैमरा है देखिए मैं आपको एक ही बात बोलूँगा ला, लास्ट में साढ़े नौ से साढ़े दस के बाद में बीच में सो जाइए क्योंकि बॉडी में एक नेचुरल पेन किलर होता है उसको बोलते हैं आर्जिनिन वैसोटोसिन जब आप साढ़े दस के अंडर में सो जाएंगे और आप छः बजे उठेंगे तो बॉडी के जो वो हार्मोन है आपके पेन आपकी स्टिफनेस अपने आप ही कम रखेगा नेचुरली कम होता है ये जितना आप लेट सोएंगे, आर्जिनिन वेसोटोसिन कम होगा उतना ज़्यादा बॉडी दिन में स्टिफ रहेगी नॉन प्रोडक्टिव रहेगी और टाइट रहेगी ओके okay. काफी लोग ये, ये पॉडकास्ट तो, रात के 12 बजे भी देख रहे होंगे सर वो लोग तो बर्बाद हैं जिनकी नाइट ड्यूटी चल रही है <laughs> वो तो परेशानी ही हाँ, रहेंगे हाँ, रहे तो बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब्ड है काफी ज्यादा सही <laughs> है सर बहुत चीजें आज नहीं पता चली हमारी जनता को भी हमें भी एंड जिसको भी पेन हो रहा भाई है भाई ज्यादा टाइम वेट मत करो पहले महीने में ही चले जाओ सर के पास ज्यादा वेट मत करो तीन चार महीने देख रहे हो आ, वन टू का फोर ना हो जाए फिर <laughs> तो चलो दोस्तों मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में।, और अगर ये वाला पॉडकास्ट आपके लिए फायदेमंद रहा है तो इसको शेयर जरूर करे यार अपने दोस्तों तक पहुंचा दो और सब्सक्राइब कर देना चलो बाय बाय